हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसी एनाटेक के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट है श्याम अख्तर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन FCU यानी फाइन कॉइल यूनिट और AHU यानी एयर हैंडलिंग यूनिट के बारे में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ AHU एयर हैंडलिंग यूनिट एंड टाइप्स ऑफ FCU फैन कॉइल यूनिट के बारे में। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा एसी एनाटेक का चैनल है जिसमें हम HVAC से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते हैं। तो अगर आपको HVAC से रिलेटेड, VRF से रिलेटेड, मोस्टली AHUs वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल एसी एनाटेक को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैन कॉइल यूनिट और HU एयर हैंडलिंग यूनिट में क्या डिफरेंस आती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक डायग्राम देख लीजिए, फिलहाल फैन कॉइल यूनिट का है, एक ब्लॉक डायग्राम है सिंपली। यहाँ पे देख सकते हैं आप जिस तरीके से एयर है, ये एक स्ट्रक्चर है FCU का। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जिस तरीके से एयर इनटेक है, यहाँ फिर फिल्टर है, ब्लोअर है, कूलिंग कॉइल है, सप्लाई एयर है, फिर ये डक्ट के थ्रू एक कमरे में जा रहा है एयर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इसके पार्ट्स होते हैं फैन कॉइल यूनिट में, ये पार्ट्स होते हैं। HU में भी मोस्टली यही पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अगर ये DX है तो, अगर ये चिल्ड वाटर है तो भी थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं पार्ट्स में, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ फैन कॉइल यूनिट के बारे में हमने बात की थी कि वो ब्लो थ्रो और ड्रो थ्रो होती है, तो उस उतना डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। तो आपको पता है ये फ़िलहाल जो है ब्लो थ्रो FCU एक है, ठीक है, पार्ट्स सारा सेम है। आप यहाँ पे नीचे देखेंगे जो सप्लाई एयर है वो सिर्फ एक रूम में जा रहा है, ठीक है। एक कॉमन डिफरेंस जो है, सबसे कॉमन डिफरेंस हमारा ये है दैट FCU जो होता है वो एक पार्टिकुलर रूम को ही ठंडा करता है, पार्टिकुलर रूम में ही लगा होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं सेम डायग्राम है, ठीक है, आप ब्लॉक डायग्राम देखेंगे अगर HU का ये है तो आप देखेंगे पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम है। चिल वाटर इसमें दिखाया गया है, कुछ पार्ट्स है सिर्फ एक सिंपली बताने के लिए, ठीक है। डिटेल्स में उतना हम पार्ट्स में फिलहाल नहीं जाएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे HU के चिल वाटर में क्या क्या मेजर पार्ट्स होते हैं, उसके वाल्व्स के एंड जो भी गेजेस वगैरह होते हैं सारे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा HU है ये मल्टीपल फ्लोर, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर 3 फ्लोर है, ये HU तीनों फ्लोर में सप्लाई कर रहा है। तो दोस्तों, ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब एक थोड़ा विस्तार में जाते हैं फैन कॉइल यूनिट एयर हैंडलिंग यूनिट में क्या डिफरेंस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा फैन कॉइल यूनिट होता है ये थोड़ा रिजनेबल कॉस्ट होता है, सस्ता होता है, वहीं एयर हैंडलिंग यूनिट हमारा महंगा होता है बहुत। साइज़ की भी बात करें तो हमारा FCU जो होता है स्मॉल साइज़ का होता है, एक कहीं पे भी रूम में लग जाता है, सीलिंग कंसील्ड होता है, छत में लग जाता है, टांग सकते हैं या फ्लोर भी आता है, फ्लोर स्टैंडिंग भी आता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि लार्ज साइज़ का आपका जो HU है वो लार्ज साइज़ का होता है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे जो हमारा तीसरा है जो FCU हमारा लो वॉल्यूम होता है एयर, इसमें जो एयर का वॉल्यूम होता है लो होता है, और वहीं हमारा जो HU है उसमें हाई वॉल्यूम होता है। चौथा डिफरेंस देखते हैं दोस्तों हमारे इसमें FCU में VSD यानी कि वेरिएबल स्पीड ड्राइव नहीं ज़रूरत होती है, जबकि HU में वेरिएबल स्पीड ड्राइव ज़रूरत होती है स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, FCU जो है हमारा कहीं पर भी इंस्टॉल हो जाता है, इंटरनल स्पेस में भी, कम स्पेस में अंदर में भी इंस्टॉल हो जाता है, और जबकि हमारा HU एक्सटर्नल होता है, बाहर में होता है, या प्लांट रूम एक चाहिए होता है या रूफटॉप होता है HU, ये होता है। तरीके से दोस्तों, अगर FCU की डक्टिंग की बात की जाए तो ये फ्लेक्सिबल डक्ट में भी काम कर जाता है, सिर्फ ग्रिल में भी अगर सप्लाई सिर्फ इसका जो माउथ होता है FCU का, ग्रिल भी सिर्फ लग जाए सिर्फ फ्लेक्सिबल डक्ट के थ्रू तो ये काम करता है। लेकिन जो हमें जो HU में, क्योंकि उसका CFM ज़्यादा होता है, एयर फ्लो ज़्यादा होता है, एयर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे दोस्तों हमें GI सीट की डक्ट की ज़रूरत होती है, रिपेयर उसको बनाना पड़ता है स्पेशली। सातवां दोस्तों जो हमने बात की थी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली सर्विंग सिंगल स्पेस, जैसे किसी भी रूम या किसी भी स्पेस में सिंगल वहाँ पे ये सप्लाई करता है, जबकि हमारा HU जो था मल्टीपल जोन, यहाँ पे आप जैसे ड्राइंग में आपने देखा था ब्लॉक डायग्राम में, दैट वो मल्टीपल 3 फ्लोर्स थे, तीनों फ्लोर्स में वो एयर सप्लाई कर रहा था। तो दोस्तों, ये था हमारा बेसिक डिफरेंस एक HU और FCU में, एयर हैंडलिंग यूनिट और फैन कॉइल यूनिट में। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा कैसा लगा ज़रूर बताएं, हमारे चैनल AC एनाटेक को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।